कैसे हैं आप? घूमने आएगा, घूमने आएगा, आपको घूमने आए? अब कहाँ के? हाँ हाँ से आए यहाँ के? और जापान, जापान से आयो? अरुणाचल, अरुणाचल। हाँ तो झूठ क्यों बोलो, हम पानी से आए, हम पानी से आए हम। हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन से जीरांगो, ओडिशा के जीरांगो जाने का मन था, तो आज जाने का मौका मिला, तो सोच रहे हैं जाके वहाँ कुछ वीडियो बनाएंगे और देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए मेरे साथ वहाँ जाके क्या क्या देखने को मिलता है। अभी हम बैठे हैं गाड़ी में और निकलेंगे जीरांगो, जहाँ बौद्धिस्ट मॉन्क लोग रहते हैं, वही जगह जाएंगे घूमने। और ये बहुत डेंजरस रास्ता है दोस्तों, यहाँ स्लो स्लो जाना चाहिए, मतलब पहाड़ के ऊपर है और देख सकते हैं घाटी रास्ता है सब। जीरांगो उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। रास्ता डेंजर है, वही तो इसीलिए तो आते हैं लोग घूमने, निरापद रे गाड़ी चलांतु बोल रहे, सेफ्टी ड्राइव कीजिए, घाटी समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये बहरमपुर से लगभग 100 किलोमीटर है, वहीं से आप लोग इजीली जा सकते हैं और इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बहरमपुर ही है। दोस्तों जीरांगो की ओर जाते वक्त मैंने रास्ते में एक मतलब वो यहाँ के लोग कैसे पहाड़ के नीचे धान को वो कलेक्ट कर रहे हैं वो देखा, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा उन लोग के पास जाके नज़दीक जाके घूम के आऊँ, तो इसीलिए जा रहा हूँ उन लोग के साथ। सब रोच ना घर अच्छे गाँव कौटि गाँ से पटे ये धान पाई खाली आसिकी रोच ये सब है पुणी पलेबे सब आए रही ये रही ना। अच्छा दोस्तों ये कह रहे हैं इनके ये टेम्परारी है, ये लोग यहाँ पर मतलब ये धान कलेक्ट करके करने के लिए है, तो ये काम ख़त्म होने के बाद उन लोग का ये रहेगा कैंप, कैंप के जैसा बना हुआ है, तो फिर उन लोग के गाँव ये नज़दीक है घर, तो यहाँ ये लोग खेती बाड़ी के ये धान कलेक्ट करने के लिए ये काम चल रहा है। दोस्तों ये देख सकते हैं ये मांडिया है, ये भी एक खाने का चीज़ है यहाँ का, अरे बहुत विटामिन है, बिना सार के मतलब यहाँ वो मेडिसिन दवाई नहीं डालते, जो ये नेचुरल है दोस्तों, ये सेहत के लिए अच्छा है, इसमें से छोटे छोटे दाना निकलता है और वो लोग इसको खाते हैं यहाँ के लोग, और ये बहुत मतलब सेहत के लिए अच्छा विटामिन है, विटामिन है। इसलिए धान को कलेक्ट करके इस घर में ये लोग स्टॉक रखते थे, अब इसको कलेक्शन चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। इससे बातचीत करके मैं वापस जा रहा हूँ, हम लोग जाएंगे जीरांगो की ओर। दोस्तों इस जगह का नाम है चांदीपुर है, चांदीपुर लिखा हुआ है इसमें, चांदीपुर। खसड़ा जलप्रपात के रास्ता यहाँ पर बाएं तरफ आपको खसड़ा जलप्रपात
तीन किलोमीटर है और जिरांग टेम्पल 2 किलोमीटर से ये चौक से, तो आप जा सकते हैं यही चौक से। रहते हैं कितना सानो शान से रहते हैं। बहुत अच्छा है, खुश लग रहा है। हाँ, बौद्धिस्ट लोग दोस्तों शांत मिजाज के लोग होते हैं और ये लोग भीड़ भाड़ से अलग रहना पसंद करते हैं दोस्तों। और ये देखिए भुट्टा खेतीबाड़ी करके रखे हैं, कलेक्शन करके देख सकते हैं आप लोग कैसे कैसे सुविधा में ये लोग रखे हैं। छत्तीसगढ़ में मेन पार्ट बोल के एक जगह है दोस्तों, वो लोग वहीं पर भी रहते हैं और वहाँ शानदार तरीके से रहते हैं, वो भी पहाड़ के ऊपर। और वो लोग पहाड़ के ऊपर रहना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए भीड़ भाड़ से अलग ही रहते हैं लोग और उनकी दुनिया भी बहुत अलग सा महसूस होता है दोस्तों। बहुत शांत सुकून ऐसा ही महसूस होता है। 5 रुपया एक जन को, अभी 4 टिकट खरीदेंगे। ये अंदर जाने का ऐसा एक गेट देखिए, इसको देख सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे बना कर रखे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ट्रेडिशनल कस्टम, ये चार्जेस 50 रुपीज़ लेते हैं। इसको पहन के आप फोटो पे खींच सकते हैं, उनका ट्रेडिशनल कस्टम है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ भी एक जो ऊपर बेल लगा हुआ है, इसको घुमाने के लिए घुमाते हैं, बेल बजता है। ये ऐसे घुमाने के लिए रखा है, वो जो घंटा है वो बज रहा है, बेल ऊपर में लगा हुआ है, घुमाने से शुभ माना जाता है। घुमाते हैं, बच्चे लोग घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाने से भी लिखा है वहाँ। मैं थोड़ा आप लोग को यहाँ चारों तरफ घुमा के दिखाता हूँ, इस तरफ कुछ है। फोटो खींच रहे हैं, अब देख सकते हैं। बहुत लोग आते हैं घूमने यार, बहुत सुंदर जगह यार। आके घुमा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताना, तो हम लोग तो बहुत मज़ा ले रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं मॉन्क लोग हैं, ये मॉन्क लोग हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये लोग आए हैं, ये देख सकते हैं। और इनके लिए इनके साथ भी थोड़ा फ़ोटो खींचेंगे। कैसे हैं आप? घूमने आएगा घूमने आए आप लोग घूमने आए
अब कहाँ थे? हाँ हाँ से आए यहाँ के और जापान जापान से आयो अरुणाचल। हाँ तो झूठ क्यों बोलो, हम पानी से आए हम पानी से आए हैं हम दोस्तों ये जो मंदिर है बुद्धिस्ट मंदिर है वहाँ ये जो मंत्र चक्र लगा हुआ है उसमें पानी के जरिए वो खुद घूम रहा है, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैं बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं दिखा पाया, आने वाले वीडियो को फॉलो कीजिए तो उसमें मैं बुद्धिस्ट टेम्पल दिखाऊँगा और अंदर का बैकग्राउंड दिखाऊँगा। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।